नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जुहू के जिस पब में शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मीर शाह ने एक्सीडेंट से पहले शराब पी थी, उसका दावा है कि वह गलत आईडी दिखाकर शराब पीने आया था। सूत्रों के अनुसार पब मैनेजमेंट ने आरोप लगाया है कि मीर शाह ने उन्हें जो पहचान पत्र दिखाया जिसमें उसकी उम्र 27 साल थी, उसके साथ तीन दोस्त भी आए थे जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है। पुलिस का दावा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार मीर 24 साल का है, जबकि शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 25 वर्ष है। एक्साइज अधिकारियों के सूत्रों ने बताया पब के बिल से पता चला है कि मीर शाह और उसके दो दोस्तों ने उस दिन बार में विस्की के 12 बड़े पैक ऑर्डर किए थे, यानी एक युवक ने लगभग 4 पैक पिए थे। शराब की इतनी मात्रा किसी को 8 घंटे तक नशे में रख सकती है। मीर और उसके दोस्त शनिवार रविवार को देर रात 1:30 बजे पब से निकले। 7 जुलाई को सुबह करीब 5:30 बजे मीर शाह ने BMW कार से कपल को टक्कर मार दी। इसमें 45 साल की महिला कावेरी नकवा की मौत हो गई। आरोपी ने अपनी कार से महिला को करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा था। मीर के साथ उसका ड्राइवर भी कार में था, वह ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। मुंबई पुलिस ने मीर शाह को मंगलवार को हिट एंड रन केस के तीसरे दिन गिरफ्तार किया था। उसे 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस ने 10 जुलाई को बताया कि मीर ने कबूला है कि हादसे के वक्त कार वही चला रहा था। कपल की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उसे पता था कि महिला कार की एक टायर में फंसी है, इसके बावजूद उसने कार नहीं रोकी और महिला को घसीट दिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।